हेलो एवरीवन, आजकल श्राद्ध चल रहे हैं। अपने पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ अर्चना प्रार्थना सब लोग कर रहे हैं, तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ श्राद्ध के ऊपर अपने पितरों को संतुष्टि के लिए, खुश करने के लिए। और यदि आपको ये लगता है कि आपके घर पर पितृ दोष है, सभी लोग अपनी विधि के हिसाब से करते हैं, तो एक छोटी सी प्रेयर प्रार्थना आपके पितरों के लिए मन के भाव के साथ आप यदि करेंगे तो आपको ज़रूर फायदा होगा। ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, आज आपके समक्ष पितरों के लिए जो हम प्रेयर प्रार्थना पूजा करते हैं उसी को सब लोग अपने अपने भाव से करते हैं, तो जो लोग भी इसको उचित समझते हैं और आपको लगता है कि आपको इसमें से कोई नई जानकारी और मिल रही है तो आप इसको अपनी प्रार्थना में शामिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल शांत मन से अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करके आपके जितने भी पेरेंटल साइड दोनों तरफ के, मतलब आपके मदर फादर के साइड के, आपके हस्बैंड के साइड के, जितने भी आप अपने एंसेस्टर्स को याद कर सकते हैं, जितने आपको याद हैं, या जो सोल अनटाइमली चली गई हैं, इवन इसके अंदर यदि आपका कोई मिसकैरेज हुआ है या आपने भी अबॉर्शन कराया है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता है कि पितृदोष किस कारण से लगता है। जब पंडितों से पत्रियां दिखाई जाती हैं तो पंडित कहते हैं कि पितृदोष है, और इसी कारण से हमारे देश में प्रथा भी है कि पितरों की शांति के लिए, मुक्ति के लिए हम पूजा प्रार्थना पाठ दान पुण्य करते हैं। तो एक सिंपल सी प्रेयर आप लोग सब ज़रूर करें, अपने शांत मन से आँख बंद करके, रिलैक्स करके अपने आप को पहले पूरी तरह से शांत करेंगे, रिलैक्स करेंगे और एक गहरी ध्यान की अवस्था में जाने की कोशिश करेंगे। अपने आप को बार बार कहेंगे कि मैं गहरी शांत अवस्था में जाती जा रही हूँ, गहरी शांत अवस्था में जाती जा रही हूँ, गहरी शांत अवस्था में जाती जा रही है। और बिल्कुल ये महसूस करें कि आप बिल्कुल शांत, शिथिल, रिलैक्स होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं। जब आपको लगे आप बिल्कुल एक ऐसी शांत अवस्था में पहुंच चुके हैं, मन में कोई विचार नहीं, सिर्फ आपके सामने ईश्वर है और आप हैं और आपके जितने भी पितर हैं, जो भी नोन अनोन सब तरफ के, उनको याद करते हुए, हाथ जोड़ते हुए कि मैं उन सभी पितरों से, आप अपने परिवार की तरफ से अपना नाम लेते हुए कि मैं उनकी पुत्र, पुत्रवधु, पुत्री, बेटा, जो भी हैं आप अपने परिवार के लिए, उनका नाम लेते हुए कि मैं उनके बिहाव से आप सभी से क्षमा याचना करती हूँ, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा आपका दिल दुखाया गया है, आपकी कोई इच्छा पूर्ति नहीं की गई है, कोई भी ऐसी चीज़ें जिस कारण से आपने गुस्से में आके, और कहीं ना कहीं आप भी हमसे बंधे हुए हैं क्योंकि हम सब परिवार के ही सदस्य हैं, तो हम सब आपसे क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, और हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि जिस भी कर्ज के कारण हमारा परिवार बंधा हुआ है, आप उससे हमें मुक्त करें, मुक्त करें, मुक्त करें। मन में ये प्रेयर बार बार बोलते रहें भोले भाव से, चाहे आंखों में आंसू आ जाए, जैसे कि भाव विहल होकर अपने पितरों से आप प्रार्थना कर रहे हैं, और इन एक्सचेंज बिल्कुल ये देखिए कि उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है। अब लगातार अपना पूरा ध्यान अपने सहस्त्रास चक्र पे, क्राउन चक्र पे लगाते हुए देखेंगे, और ईश्वर के द्वारा भेजा गया आशीर्वाद आपके क्राउन चक्र से आपके ऊपर बरस रहा है, गोल्डन लाइट में, वाइट लाइट में, और आपको उन सभी प्रकार के कर्सेस से, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को सभी प्रकार के कर्सेस से मुक्त कर रहा है, मुक्त कर रहा है, मुक्त कर रहा है।
क्योंकि सबकी डोर उस परम पिता परमेश्वर के ही हाथ में है। और प्रार्थना करें, आई रिलीज ऑल अनवांटेड एंटिटीज, अनवांटेड पर्संस, अनवांटेड थॉट्स। मैं वो सारे थॉट्स आज अपने रिलीज करती हूँ, रिलीज करता हूँ, जो मेरे को इस लाइफ में मैटर नहीं करते हैं, जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आई रिलीज एवरीथिंग, आई रिलीज एवरीथिंग एंड आई प्रे कि ऑल नेगेटिव एंटिटीज, ऑल नेगेटिव पर्संस, ऑल नेगेटिव थॉट्स, सबकॉन्शियस बिलीव्स, लेट देम रिलीज टुडे इन द यूनिवर्स फॉरएवर। और देखें कि आपके चारों तरफ से एक काली काली परत, यदि कोई पितृ दोष था, वो रिलीज होता चला जा रहा है, रिलीज होता चला जा रहा है, रिलीज होता चला जा रहा है। अब दोनों हाथ अपने हृदय चक्र पे रखते हुए कहेंगे, मैं सभी प्रकार के पितृ दोषों से मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। मेरा परिवार सभी प्रकार के कार्मिक ब्लॉकेजेस से मुक्त है, मुक्त है, मुक्त है। अपना धन्यवाद करेंगे, सभी गुरुओं का धन्यवाद करेंगे, अपने सभी पितरों का धन्यवाद करेंगे, और उनके नाम से आपने जो भी कुछ निकाला है, जो भी मन में भाव रखा है, वो आप अपने हाथ से ज़रूर कर दें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।